ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत ठाकुर और दिल्ली दर्पण टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में चल रहे अवैध फार्म हाउस और रिसॉर्ट्स पर अब सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरने वाली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट की गई मॉनिटरिंग कमेटी ने एक हफ्ते का समय तय किया है ऐसे फार्म हाउसों के लिए जिन्होंने नियमों की अनदेखी करके निर्माण कार्य किए हैं या अपने प्रेमाइसेस में कमर्शियल एक्टिविटीज चला रहे हैं। तो ऐसे फार्म हाउस या रिसॉर्ट्स जो कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य या कमर्शियल एक्टिविटीज चलाते हैं, उनको अब ये मान लेना चाहिए कि जिस तरह से पूरे दिल्ली में सीलिंग की का एक दौर चला था, उसी तरह से अब फार्म हाउसों को भी सील करने का एक दौर चलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई मॉनिटरिंग कमेटी ने नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले ऐसे सैकड़ों फार्म हाउस का निरीक्षण किया और पाया कि वहां पर बड़े स्तर पर गड़बड़ झाले या नियमों की अनदेखी की जा रही है। आपको बता दें कि नॉर्थ और साउथ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले ऐसे सैकड़ों फार्म हाउस और रिसॉर्ट्स हैं जिनके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, लेकिन निर्धारित बिल्डिंग प्लान को ये फॉलो नहीं करते हैं और तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे सभी फार्म हाउसेज और रिसॉर्ट्स के लिए मॉनिटरिंग कमेटी ने यह साफ किया है कि इस तरह की जितने भी फार्म हाउस हैं इन सबको अब सील कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट पैनल ने निगमों को 28 तारीख तक इस बाबत रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। ऐसे में देखना होगा कि निगम क्या रिपोर्ट सबमिट करती है और क्या कार्रवाई मॉनिटरिंग कमेटी के द्वारा की जाती है, क्योंकि एक बात तो सच है कि नॉर्थ एमसीडी के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों फार्म हाउस और रिसॉर्ट नियमों को ताक पर रखते हुए न सिर्फ निर्माण कार्य करवा चुके हैं बल्कि कमर्शियल एक्टिविटी भी कर रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी पर हम आपको फार्म हाउस और रिसॉर्ट्स के नाम पर चल रहे गोरखधंधे की खबरें लगातार दिखाएंगे 28 सितंबर के बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर